गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? बढ़िया हो? हाँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो बच्चों, आज कुछ हम नए वर्णों की पहचान करने वाले हैं, ठीक है? तो अभी हमारा हिंदी का पीरियड है ना? हाँ, तो बच्चों देखो, इससे पहले हमने कुछ वर्णों की पहचान की थी। आपके ध्यान में है किन वर्णों की पहचान हमने की थी? हाँ, वेरी गुड। तो अभी आप हमारा ये जो बबू है वो सब निकालो। हाँ, इसमें पेज नंबर यदि आप 42 ये पेज नंबर निकालोगे तो यहाँ पे आपको एक वर्ण दिखाई देगा। सबको दिखाई दे रहा है? हाँ, तो इस वर्ण का उच्चारण, इसको हम ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट, ठीक है? तो यह देखो, यह है ट। कौन सा वर्ण है? ये ट वर्ण है। और ट से क्या बन जाता है? टमाटर। यदि आप इस शब्द में देखोगे तो इस शब्द में ट यह वर्ण दो बार आया हुआ है। देखो देखो अच्छे से, कितनी बार आया है? एक, दो। टमाटर इस शब्द में ये दो बार आया है। कितनी बार आया है? दो बार। वेरी गुड। और ये जो चित्र है ये टमाटर का है। तो टमाटर किस रंग का होता है बच्चों? हाँ, टमाटर लाल रंग का होता है, ठीक है? तो अभी हम ट से कुछ गाना बोलेंगे, कुछ पंक्तियां बोलेंगे हम, ठीक है? तो बोलो मेरे साथ, ट से टम टम चले सड़क पर घोड़ा, सरपट। और एक बार, ठीक है? ट से टम टम चले सड़क पर घोड़ा दौड़े, सरपट सरपट। तो यह जो टम टम है, यह ट वर्ण से कई सारे शब्दों की शुरुआत होती है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे मैंने टमाटर का चित्र दिखाया है ना? तो हमारी एक्टिविटी क्या है बताओ? हाँ, इस टमाटर को आपको किस रंग से कलर करना है? हाँ, लाल कलर से कलर करना है। और यहाँ पे आपको ट से टमाटर, यह ट वर्ण यहाँ पे लिखना है, ठीक है बच्चों? हाँ, और इस यहाँ पे आपको बोल बोल कर अच्छे गुड हैंडराइटिंग में ट से टमाटर, ट से टमटम, इस प्रकार बोल बोल कर आपको ट वर्ण अच्छे से लिखना है, ठीक है? हाँ, इसके बाद आपको हमारी ये जो नोटबुक है इसमें भी ट वर्ण लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और जो बच्चे गुड हैंडराइटिंग में लिखेंगे उनको मैं क्या देने वाली हूँ? हाँ, उन बच्चों को मैं देने वाली हूँ बड़ा स्टार। आपको बड़ा स्टार चाहिए, चाहिए ना? हाँ, तो बच्चों इसके बाद देखो, ये ट से टमटम, ट से टमाटर, इतने दो ही शब्द होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो यदि हम हमारी वर्कशीट देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा ट से ट, यह भी एक शब्द की शुरुआत होती है। इसके बाद ये हमारी जो वर्कशीट है यहाँ पर भी आपको ट से टमटम, ट से ट, ट से टमाटर, इस प्रकार लिख लिख कर क्या करनी है? ट वर्ण के लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? यदि आप यहाँ पे पेज टर्न करोगे तो और एक शब्द आपको मिल सकता है। हाँ, क्या है? ट से टोकरी, यह भी एक शब्द आता है। हाँ, और इतनी काफी नहीं है, ट से कई सारे शब्दों की शुरुआत होती है, ठीक है बच्चों? तो आपको यह वर्ण अच्छे से पहचान में आ सकता है। हाँ, तो बच्चों आज हमने ट वर्ण की अच्छे से पहचान की है, ठीक है? हाँ, इसके आगे हम जा सकते हैं। आप रेडी हो? वेरी गुड। तो इसके बाद हमारे बुक में पेज नंबर यदि आप 44 निकालोगे, 44 पेज नंबर, तो एक आदमी दिखाई देता है बैठा हुआ, और इस आदमी के पास कुछ बर्तन दिखाई देते हैं, है ना? हाँ, तो बच्चों यह कौन है? ये आदमी क्या कर रहा है?
क्या बना रहा है? बर्तन। तो यह बर्तन बनाने वाले आदमी को क्या कहते हैं? हाँ, उस आदमी को, बर्तन बनाने वाले आदमी को कहते हैं ठठेरा। क्या कहते हैं? ठठेरा। और यह ठठेरा शब्द जो है यह ठ वर्ण से शुरू होता है, ठीक है। इसमें ठ वर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप देखोगे तो इस ठठेरा के शब्द में यही पे दो बार ठ वर्ण का इस्तेमाल किया है, ठीक है बच्चों। हाँ तो चलो हम कुछ पंक्तियां बोलेंगे। हाँ, ठ से ठठेरा इसका नाम, बर्तन बनाना इसका काम। ठ से ठठेरा इसका नाम, बर्तन बनाना इसका काम। तो जो ठठेरा होता है उसका काम क्या होता है, वो क्या करता है? वो बर्तन बनाता है, ठीक है बच्चों। हाँ तो ठ से ठठेरा यह एक ही शब्द है क्या? बिल्कुल नहीं। ठ वर्ण से कई सारे शब्दों की शुरुआत होती है। तो बच्चों यदि आप हमारे वर्कशीट में देखोगे तो आपको ठ से कई सारे शब्द दिखाई देंगे। चलो देखो हमारे वर्कशीट देखो यहाँ पे। हाँ, ठ से ठग यानी कि चोर। हाँ, ठ से ठप्पा। ठप्पा जिसको अंग्रेजी में हम स्टैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैम, ओके। उसके बाद ठठेरा हमें मालूम है। हाँ, उसके बाद अभी आप टेक पेज टर्न करोगे तो आपको दिखाई देगा ठंडा। बर्फ कैसा होता है? ठंडा। हाँ, तो इस प्रकार ठ वर्ण से कई सारे शब्दों की शुरुआत होती है। अभी आपको हमारे टेक्स्ट बुक में क्या करना है, हमारी किताब में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको ठ वर्ण की लिखकर प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, लेकिन गुड हैंडराइटिंग में। हाँ, और यहाँ पे एक ठ दिया हुआ है, यह वर्ण ठ है, तो इसको आपको ट्रेस करना है और इसमें आपको कलर भरना है। हाँ, जो कलर आपको अच्छा लगता है उस कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो रंग आपको पसंद है उस रंग का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है बच्चों। हाँ, तो आपके समझ में आ गया कि आज हमने ट और ठ, ट वर्ण ट और वर्ण ठ, इन दो वर्णों की आज हमने पहचान की है। और वर्ण और ठ वर्ण लिखने में काफी क्या है, समान है, दोनों एक तरह ही दिखाई देते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को ट निकालना बहुत आसान लगता है वो ठ वर्ण आसानी से निकाल सकेंगे, इसीलिए मैंने आज दो वर्ण एक साथ लिए हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये दोनों वर्ण आपको हमारे कॉपी में भी लिखने हैं। हाँ, सब बच्चे वर्कशीट में छुड़ाने वाले हैं, है ना। हाँ, तो जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे हस्ताक्षर में जो हमारी सब पढ़ाई पूरी करेंगे, उनको मैं देने वाली हूँ बड़ा स्टार। तो बच्चों आपको बड़ा स्टार चाहिए? हाँ, तो अच्छे से पढ़ाई करो, घर में रहो, सुरक्षित रहो, ठीक है बच्चों।